जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं, जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हमारा ये आगामी यूपी ट्रिपल एससी पैट का पेपर आ रहा है, 16 और 15 तारीख को है, तो इसमें ये पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है, तो ये 6 अक्टूबर को या 5 अक्टूबर को या फिर 4 अक्टूबर को या फिर 7 अक्टूबर को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा 4 है, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारतीय वायुसेना अपना 90वां स्थापना दिवस कब मना रही है। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना अपना 90वां स्थापना दिवस किस दिन मना रही है, या किस ये अपना स्थापना दिवस है ये किस दिन मना रही है, तो कब मना रही है, तो ये 5 अक्टूबर को मना रही है या 6 अक्टूबर को या 8 अक्टूबर को या फिर 7 अक्टूबर को। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपना 90वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मना रही है। तो 8 अक्टूबर आज ही है, आज ही एयरफोर्स डे मनाया जाएगा। ओके, तो आज एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये इथोपिया के चुने गए हैं या अंगोला के या फिर बुर्किनो पासो के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, 3, बुर्किनो पासो के कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये हैं बुर्किनो पासो, ठीक है, बुर्किनो पासो ये के ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन है इनका नाम, तो इनका नाम है कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ये बुर्किनो पासो के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा ही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, डब्ल्यू एच ओ के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। तो ये विजय कुमार करेंगे, राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव करेंगे, अशोक कुमार किशोर कुमार करेंगे या डॉक्टर विवेक मूर्ति करेंगे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, 4, डॉक्टर विवेक मूर्ति डब्ल्यू एच ओ के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये है इनका फाइल फोटो, ये हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति, ये ही WHO की कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, सी वी जॉर्ज किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो ये अमेरिका में, कनाडा में या फिर रूस में या फिर जापान में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, 4, किसमें, जापान में। सी वी जॉर्ज जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो ये हैं सी वी जॉर्ज, ये जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं। तो अभय कुमार बने हैं, विजय जसूजा बने हैं, राजेंद्र कुमार बने हैं या दिनेश कुमार बने हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, 4, दिनेश कुमार यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो देख लेते हैं कौन है, किशोर कुमार पोलू दत्तू हैं या फिर विजय जसूजा हैं, राजेंद्र कुमार हैं या अभय सिंह हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1, किशोर कुमार पोलू दत्तू।
किशोर कुमार पोलिदत्तू SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी आटॉप्स साइबर हमले की चपेट में आई है। आटॉप्स साइबर हमले की चपेट में आई है, तो किस देश की कंपनी है? चीन की कंपनी है, या फिर फ्रांस की कंपनी है, या फिर अमेरिका की कंपनी है, या फिर ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश की कंपनी आटॉप्स साइबर हमले की चपेट में आई हुई है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अरुण वाली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अरुण वाली कौन थे? एक लेखक थे, या फिर साहित्यकार थे, या फिल्म निर्माता थे, या फिर अभिनेता थे? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही है 4, अभिनेता। अरुण वाली एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हैं अरुण वाली, इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है एज अभिनेता के रूप में। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार महिला PSC बटालियन के गठन को मंजूरी दी गई है? तो किस राज्य में पहली बार महिला PSC बटालियन के गठन को मंजूरी दी गई है? तो ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या फिर केरल है, या फिर तमिलनाडु राज्य है? तो इसमें से कौन सा राज्य हमारा हो जाएगा? तो इसमें राज्य हमारा हो जाएगा पहला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार महिला PSC बटालियन के गठन को मंजूरी दे रहा है। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनल रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया गया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उज्जैन में किया गया है, या फिर पुरी में किया गया है, या फिर गोवा में, या फिर असम में? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2, पुरी। पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो पहला कहाँ है? तो पहला है उज्जैन में। पहला राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल उज्जैन में है, और दूसरा ये पुरी में स्थापित किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये दिल्ली में की जाएगी, या फिर कानपुर, या फिर उड़ीसा में, या फिर केरल में? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अबीब ओपन का खिताब जीता है। तो किस टेनिस खिलाड़ी ने, सॉरी यहाँ पर किस छूट गया है, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अबीब ओपन का खिताब जीता है? तो इसमें नोवाक जोकोविच हैं, मारिन सिलिच हैं, या फिर राफेल नडाल हैं, या फिर अंतिम पंघाल हैं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1, नोवाक जोकोविच ने टेनिस 2022 में तेल अबीब ओपन खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता हुआ है? तो राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता हुआ है? तो रजत पदक जीता है, या फिर स्वर्ण पदक जीता है, या कांस्य पदक जीता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो ये कुश्ती से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में एथलीट पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? तो ये पहली एथलीट हैं जिन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेलों में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? ये हैं गोल्ड फॉर गुजरात
क्या है, गोल्ड फॉर गुजरात, कंग्रेचुलेशन पूजा पटेल। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है, तो ये सूरज ककेरा हैं, पीआर श्रीजेश हैं, या सविता पुनिया हैं, या फिर अंतिम पंघाल हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है दो, पीआर श्रीजेश। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पीआर श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना हुआ है, तो ये हैं पीआर श्रीजेश, इन्हें ही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना हुआ है। अच्छा, महिला में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन चुनी गई हैं, तो ये सविता पुनिया हैं। कौन हैं, सविता पुनिया हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये एनी एनाक्सस को हैं, या फिर कैरोलिना बर्टोजी को है, या फिर बेरी सार्पलेस को है, या फिर मोर्टेन मेंडल को है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर एक सही है, एनी एनाक्स को 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये हैं एनी एनाक्स, इन्हें ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2022 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है, तो कौन सा है, 2022 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 2022 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है, तो ये यूनकिंग टैंग हैं, एनी एनाक्स हैं, या कैरोलिना बर्टोजी हैं, या बेरी सार्पलेस हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है एक, यूनकिंग टैंग को ये 2022 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये हैं यूनकिंग टैंग, ये चीन देश की रहने वाली हैं, तो इन्हें ही ये पुरस्कार दिया गया है गणित के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब किसने जीता है, तो ये कर्नल स्वरूप सिंह हैं, या फिर विजय जसूजा हैं, राजेंद्र सिंह हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है एक, कर्नल स्वरूप सिंह, अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब इन्होंने जीता हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये कैरोलिना बर्टोजी हैं, या फिर बेरी सॉपलेस हैं, या फिर मोर्टेन मेंडल हैं, या फिर एनी एनाक्स हैं। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सही है ऑप्शन नंबर चार, इनमें ऑप्शन नंबर पाँच हमारा सही है इसमें, ये सभी कैरोलिना बर्टोजी, बेरी सॉपलेस, मोर्टेन मेंडल और एनी एनाक्स, इन चारों लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 का इन चार लोगों को दिया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आज के हमारे ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।